यूरिक एसिड बढ़ने से हो सकते हैं कई बड़ी बीमारियों के शिकार, ऐसे पहचाने इसके लक्षण। ये उपाय अपनाकर कर सकते हैं यूरिक एसिड को कंट्रोल। आज के इस आधुनिक युवा भाग दौड़ भरी जिंदगी में यूरिक एसिड की बीमारी कॉमन हो गई है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से कई पुरानी बीमारियां भी शुरू से जन्म ले लेती हैं। साथ ही खराब लाइफ स्टाइल, अनुचित खान पान, कम पानी पीना, कैलोरी से भरपूर खाने का सेवन करने आदि से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। बताते चले कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में एक गंदगी की तरह जमा होता है और अगर खून में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो जोड़ों में दर्द, किडनी की बीमारी, दिल के दौरे आदि जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है। आइए जानें गुमला के सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कच्छप से यूरिक एसिड बढ़ने पर कैसे करें इनकी पहचान और क्या उपाय अपनाएं जिससे ये हो सकता है कंट्रोल। यूरिक एसिड के बारे में बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर जो लोग मीट वगैरह का जो उपयोग करते हैं नॉन वेज, उसके कारण ब्लड का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। साथ ही साथ कुछ साग वगैरह भी है, कुछ सब्जियां भी हैं जिसके कारण वो बढ़ता है। ये ब्लड में यूरिक एसिड का एक लेवल होता है, उस लेवल से जहां बढ़ जाएगा तो उसके बाद वो पेनफुल हो जाएगा, मतलब खतरनाक हो जाएगा। जोड़ जोड़ में यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो एड़ी में या फिर आपका नी जॉइंट में, ये मेन दुजा का जोड़ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका शोल्डर जॉइंट में भी जा सकता है या फिर आपका जहाँ जहाँ पे भी नीचे पैर की उंगलियों में जोड़ है उस सभी जगह में भी दर्द हो सकता है। तो यूरिक एसिड का जांच करवाएं एवं उसे नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर की सलाह लें और उसे कंट्रोल में रखें ताकि आपको वो कम दुखदायी हो, कम उससे आपको घाटा हो। बच्चे के लिए वही जो रेड मीट होता है उसको थोड़ा सा कम उपयोग में लाएं और कुछ सब्जियां हैं जैसे कि किन्हीं किन्हीं को पालक उलक भी खाने से बढ़ जाता है ये यूरिक एसिड, और एक दो ठो और भी सब्जी है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। कोई बोलता है कि चना भी खाने से, थोड़ा सा कच्चा चना सब खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है।